एट क्लास स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए थे दो फॉर्मूले और कुछ डेफिनेशन और कुछ फिगर भी बनाए थे इससे ओके पेंटागन हेक्सागन ट्रायंगल ओके इनके हमने फिगर भी बनाए थे। और नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन है और इसके आपको क्या करना है इंटरनल एंगल अपन को फाइंड करना है इंटरनल एंगल का सम ओके। क्वेश्चन नोट करते हैं क्वेश्चन है आपके फाइंड द सम फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ द कोसाइन रेगुलर ओके फर्स्ट नंबर दे देगा ए ई के अंदर दे देगा पेंटागन तो दे देगा पेंटागन या आपको वर्ड आगे पेंटागन पेंटागन वर्ड आके आपको पता हो जाना चाहिए कि इसके अंदर आपके पेंट नंबर ऑफ साइड कितना होगा पेंटागन में कितनी साइड होती थी हमने कल बनाई भी थी फिगर और इनकी कुल में नंबर ऑफ साइड भी नोट की थी तो कितने होते हैं फाइव होते कितने फाइव तो करना अपन को सम ऑफ इंटरनल एंगल सम ऑफ इंटरनल एंगल फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 ब्रैकेट क्लॉज मल्टीपल 180 डिग्री 180 यहाँ पे आपको पेंटागन आगे तो नंबर या नंबर ऑफ साइड n की वैल्यू कितनी है 5 है कितनी है 5 तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीपल 180 डिग्री 5 माइनस 2 मल्टीपल कितना 3 मल्टीपल 180 डिग्री कितना आ जाएगी 540 डिग्री आंसर आएगा सम ऑफ इंटरनल एंगल और कीजिए ओके यही आपके आंसर है। फाइव साइड के कोई भी फिगर हो उसका इंटरनल एंगल आ रहे हैं टोटल उनका सम क्या होगा 540 होगा ओके नॉट चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बी बी के अंदर नंबर दे रखा है आपको वर्ड दे रखा है हेक्सागन कौन सा दे रखा है हेक्सागन क्या नंबर 10 हो जाएंगे क्या भी 10 हो जाएंगे ओके बी है और बी में दे रखा है हेक्सागन हेक्सागन में आपके कितने साइड होते हैं 6 हेक्सागन में कितने साइड होते हैं 7 तो हेक्सागन का अपन को फाइंड करना सम इंटरनल एंगल फार्मूला वही होगा n माइनस 2 मल्टीपल 180 और ये नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएगी n इक्वल टू 6 तो आपके फाइंड हो जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीपल 180 तो 6 माइनस 2 कॉस मल्टीपल 180 तो कितना आ जाएंगे
cos 18 for the 17 to 720 degree. कितना आंसर आ जाएगा? 720 degree. ओके, नोट कीजिए. नेक्स्ट आपके सी सी के अंदर नॉन अकाउंट है, इसके एंड की साइड हो जाएगी 9 और ये आपको सेल्फ करना है होमवर्क के अंदर. तीन नंबर क्वेश्चन होमवर्क के अंदर करना है. ओके, तीन नंबर क्वेश्चन होमवर्क में करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बी के अंदर देंगे पॉलीगॉन पॉलीगॉन ऑफ इलेवन साइड. तो आपके एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इलेवन. एन इक्वल टू इलेवन. तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल एंगल सम का एन माइनस टू मल्टीपल 180. तो कितना आंसर आ जाएगा? 11 माइनस 2 मल्टीपल 180 डिग्री. तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएंगे? 9 और 180 डिग्री तो कितना आ जाएंगे? 9 9 9 162 0 हो जाएगा. तो 1620 डिग्री एंगल. ओके, टोटल नोट कीजिए. फाइव नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल. एक्सटर्नल एंगल फाइंड करेंगे. नॉट अवेयर ऑफ ड्रॉप करते ही है. External angle
क्या पाई फॉर्मूला होता है? इस एक्सिमल एंगल 360 डिग्री अपॉन स्मॉल एन, ओके, स्मॉल एन के नंबर ऑफ साइड, ओके। अब यहाँ पे हेक्सागोन है तो हेक्सागोन के अंदर कितनी साइड होगी? 6। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 6, तो कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा? 60 डिग्री टाइम। तो ईच एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा? ईच एक्सटर्नल एंगल कितना फाइंड हुआ? 60 डिग्री। ईच एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। और चीजिए ये सेकेंड का बी, तो सेकेंड का ए है, फर्स्ट बी अब तो ऑर्डिनरी ऑक्टागोन, आपको वर्ड दे देते हैं ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन के अंदर नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 8। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 8। ईच एक्सटर्नल एंगल 360 अपॉन एन, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी नंबर ऑफ साइड? 8। तो कैंसिल हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 8। अब इनको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 से 7 से 1 18 और ये 4। फिर वापस 80 का हो जाएगा 90 और ये 2। कितना हो जाएंगे? 2 से 45 डिग्री। तो ऐसे कितना आ जाएंगे? 45 डिग्री। ई टेक्स इन लाइफ कितना हो जाएंगे? 45 डिग्री। नॉट पीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट, जिसके अंदर आपको n की वैल्यू हो जाएगी 9, और या 9 से डिवाइड करना तो आपके आ जाएंगे, 9 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएंगे? 40 डिग्री, ओके। ये आपको सेल्फ करना है क्वेश्चन डी सेकंड का होमवर्क के अंदर है, ओके। फाइव नंबर क्वेश्चन का भी इसी होमवर्क में था और इसका भी आपको होमवर्क के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डी के अंदर देखेगा आपको टेक्टागोन, टेक्टागोन के अंदर कितने साइड होती है? टेक्टागोन के अंदर n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगी? 10। तो आपकी 360 डिग्री अपॉन के अंदर 10, तो 10 से ये 0 0 कैंसिल, कितने वैल्यू आएगी? 36 डिग्री। तो यानी इस एक्सटर्नल एंगल कितना फाइंड होगा अपन को? जब n की साइड कितनी हो, नंबर ऑफ साइड 10, तो एक्सटर्नल एंगल होगा 36 डिग्री, ओके। नोट कीजिए गिवन है, ओके। सॉल्व करते हैं,
apologize, rules, is, external, angle, external angle is of the online. First number variable is angle variable 72, okay. अपन को find क्या करना है, number of sides find करनी है, okay. तो इस external angle का formula क्या हो जाएगा? Is external is of external angle equal to 360 upon n, okay. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? Number of side, n equal to क्या है यहाँ पे? यहाँ और पे है n equal to number of side की वैल्यू क्या है? n है, okay. तो number of side ही find करनी है. Number of side and small n की वैल्यू फाइंड करनी है और external angle जो 360 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. क्या नोट करते हैं? external angle कितना आपको गिवन है इसके अंदर? 72 360 अपॉन 72. अभी कैंसिल हो रहे, कितने टाइम हो रहे? 72 से 5 टाइम कैंसिल हो रहे, कितने टाइम? 5 टाइम कैंसिल हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ साइड कितने आ जाएंगे? एन इक्वल टू 5 बन जाएंगे, ओके. ये आपके आंसर है 5 का. नोट कीजिए. नेक्स्ट आपके बी के अंदर आपको कितना डिग्री का दे रखा है? 20 डिग्री. कितना बी के अंदर आपको दे रखा है? 20 डिग्री, ओके. 20 डिग्री है तो नंबर आपका यहाँ कितने से डिवाइड होगे? 360 अपॉन 20 डिग्री. एक्सिमल एंगल गिवन है कितना? 20 डिग्री. कितने टाइम हो रहा? ये 2 से 80. कितने आ जाएंगे? n की वैल्यू कितने आ जाएंगे यहाँ पे? आपके 0 से 0 और 80. कितने आ जाएगी? 80. नॉट कीजिए, ये आपके आंसर है. नेक्स्ट आपको C and D होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है. C and D होमवर्क के अंदर सॉल्व करना, ओके. जिसके अंदर आपको एंगल है जो उससे 360 से डिवाइड कर देना है तो आपके नंबर ऑफ साइड कार्ड हो जाए, ओके. नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके.